मोस्ट एडवांस स्मार्टफोन के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये बनाया गया था मिलिट्री ग्रेड का सिक्योरिटी के लिए। जी हां, सबसे ज़्यादा टॉप सिक्योरिटी इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये आपका जो एप्पल का जो सिक्योर स्मार्टफोन है एंड जो सैमसंग का जो इतना ज़्यादा सिक्योर स्मार्टफोन है, ये दोनों स्मार्टफोन से सबसे ज़्यादा सिक्योर स्मार्टफोन फॉर द मिलिट्री ग्रेड। जी हां, मिलिट्री ग्रेड के लिए बनाया गया था। एंड ये जो स्मार्टफोन है फर्स्ट लॉन्च हुआ था लंदन में आज से 2 साल पहले, यानी 2022 को ये लॉन्च किया था लंदन में, फर्स्ट लॉन्च किया था। देन गाइस, इसका जो फीचर्स वगैरह है वो भी काफ़ी डिफरेंट फीचर्स है एंड इसका जो नेम है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो गाइस चले गाइस, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के दौरान। तो गाइस, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए, और पहली बार अगर चैनल में विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोग लाते रहते हैं। तो चले गाइस, इस फोन के नाम पहले जान लेते हैं। तो इस फोन का जो नाम है वो गाइस सोलारिन। जी हाँ, सोलारिन इसका फोन का नाम है। एंड ये जो फोन है ये आपका सोलर की रिलेटेड है। जी हाँ, मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए बनाया है। और इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी काफी डिफरेंस है, जो वीडियो के आगे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं इसका फीचर्स के बारे में। तो गाइस, इसका जो फीचर्स है वो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चीफ एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन में इसका फोन आती है। एंड गाइस, इसमें एल्यूमिनियम का यूज किया हुआ है इस फोन में। एंड इसका अगर डिस्प्ले के बारे में बताया जाए तो गाइज, ये जो डिस्प्ले आती है ये बहुत ज़्यादा वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आती है गाइज, वो आपका 5.5 इंच का IPS LED 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको 120% आपको sRGB कलर गम्ड भी आपको इन डिस्प्ले में देखने को मिलती है। यानी जो इसका डिस्प्ले के जो कलरिंग है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कलर आपको देखने को मिलती है। एंड इसका अगर कैमरा के बारे में बताया जाए तो गाइज, वन द बैक आपको सिंगल कैमरा आपको देखने को मिल जाती है जो 23.8 मेगापिक्सल में आती है। जी हाँ, साथ ही साथ एक छोटा सा LED फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाती है। देन गाइस, इसका अगर परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर इस फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है, जो स्नैपड्रैगन 810 का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ इसमें आपको X10 LTE एंड LTE एंड वाईफाई भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसका जो स्पीड है, जो इंटरनेट स्पीड मिलेगा इसमें आपको, डाउनलोड स्पीड बताया जा रहा है कंपनी की ओर से, जो 450 MB/s का डाउनलोड स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड 150 MB/s का अपलोडिंग स्पीड। एंड ये जो स्मार्टफोन है ये फ्यूचर स्मार्टफोन है गाइस। जी हाँ, इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो आपका अगर धूप में रखेंगे यानी सोलर सिस्टम से ये फ़ोन चार्ज होती है। तो गाइस, आपका यहाँ पर जो करंट का कोई ज़रूरत नहीं है, सोलर का यानी धूप से आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया है स्मार्टफोन के अंदर। और गाइस, जो बाकी जो फीचर्स है वो काफ़ी सिमिलर है, जैसे पोर्ट्स एंड बटन वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये सिमिलर है। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही सिक्योर स्मार्टफोन है। तो गाइस, अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जब भी लॉन्च करने का डेट अनाउंस होगा, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो गाइस, इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।